हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिएटिविटी विद सुषमा। आज हम बनाने जा रहे हैं एक गुजराती डिशी, पके आम की कढ़ी यानी कि मैंगो कढ़ी। ये खाने में बहुत टेस्टी होती है, एक बार आप इसको बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आम की कढ़ी बनाना। सबसे पहले एक बाउल में हम एक कप के लगभग मैंगो का पल्प ले लेंगे। पका आम जो होता है उसको आप जो है मिक्सी में पीस लीजिए छील के, उसके बाद उस पल्प को यूज़ करना है। अब एक कप दही, जितना कि मैंगो पल्प लिया था उतना ही हम दही ले लेंगे। अब हम इसमें मिलाएंगे बेसन। बेसन हम 1/4 कप लेंगे, 4 बड़े चम्मच के लगभग। वो भी हम मिला के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। किसी विस्तर की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, जिससे इसमें कोई लम्स ना रहें। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़े थोड़े मसाले ही पड़ेंगे। तो थोड़ी सी हम रेड चिली पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर, और इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस मिक्सचर में हम पानी डालेंगे, तो लगभग इसमें 2 कप पानी जाएगा। अगर आपको पकाते समय कम ज़्यादा कुछ लगता है तो फिर आप और ज़्यादा पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम किसी कढ़ाई या एक डीप पैन को गैस पर चढ़ा देंगे और उसमें 1 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे। आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, मैंने यहाँ घी ऐड किया है। इसको अच्छे से गर्म हो जाने देंगे, जिससे कि ये तड़का लायक तैयार हो जाए। घी अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे सरसों के दाने। कुछ जीरा, मेथी के दाने और लाल खड़ी मिर्च को तोड़कर डाल दिया है। थोड़ी सी हींग भी ऐड करेंगे। अब कुछ करी के पत्ते इसमें डाल के इसको अच्छे से चला लेंगे, जिससे कि एकदम से ये जलने ना लगे। गैस की फ्लेम लो कर देंगे और अब हम इसमें अपना कढ़ी का मिक्सचर डालेंगे। ध्यान रखिए गैस की फ्लेम लो ही होनी चाहिए। अब हम इसको लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि इसमें एक उबाल नहीं आ जाता है। अब हमें इसे यूं ही नहीं छोड़ देना है, लगातार चलाते रहना है। हम गैस की फ्लेम अब फुल कर देंगे और लगातार चलाते रहें। अब इसमें एक उबाल आने लग गया है, तो मैं अब फ्लेम लो करके इसको पकने के लिए कम से कम 8-10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। इसे हमें खुला ही पकाना है, ढकना नहीं है। अब हम इसमें नमक भी ऐड कर देंगे। नमक अपने स्वाद के अनुसार रखिए, हालांकि कढ़ी में थोड़ा ज़्यादा ही नमक जाता है। अब हम इसमें डालेंगे ड्राई मैंगो पाउडर। 1 टीस्पून हम इसमें ड्राई मैंगो पाउडर डालेंगे। इससे थोड़ा सा खट्टापन आएगा, क्योंकि आम मीठा होता है, तो थोड़ा सा ये खट्टापन भी लाएगा। अगर आप दही खट्टा यूज़ कर रहे हैं तो मैंगो पाउडर को अवॉइड करें। अब हमने इसमें सब कुछ मिला दिया है, तो अब हम इसको 7 से 8 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। 8-10 मिनट बाद कढ़ी हमारी पक जाती है। देखते हैं इसकी जो थिकनेस है वो अच्छी खासी है, जैसी कि कढ़ी की होनी चाहिए। मैंने इसको एक बाउल में सर्व कर लिया है। अब हम इसके ऊपर से भी एक तड़का लगाएंगे, जो देखने में बहुत अच्छा लगेगा। प्रेजेंटेशन के लिए बहुत बढ़िया है, अदरवाइज़ आपकी कढ़ी खाने के लिए रेडी है, ऐसे भी आप खा लीजिए। तो अब हम तड़का लगाना शुरू करते हैं। एक तड़का पैन लेके हम उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और उसको अच्छे से गरम कर लेंगे। हल्का गरम नहीं होना चाहिए, ऑयल अच्छे से गरम हो गया है। अब हम इसमें थोड़ी सी राई, थोड़े या 1-2 रेड चिली खड़ी हुई, करी लीव्स कुछ,
अब हम इसमें जो है गैस बंद कर देंगे और फिर ऐड करेंगे लाल पिसी मिर्च, जिससे कि कलर अच्छा आएगा। अब हम इसको कढ़ी के ऊपर ऐसे ही फैला देंगे तो कढ़ी देखने में भी बहुत सुंदर लगने लगेगी और टेस्ट भी और बढ़ जाएगा। आप देख सकते हो कितनी सुंदर दिख रही है और मैंगो कढ़ी खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होती है। नाउ ये रेडी है खाने के लिए, तो आप इसको चावल के साथ या रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।